अस्सलाम वालेकुम। सोचा मैं छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को आज की प्री ओपन दिखाऊं। 9:44 तक की ये पोजीशन है, तो इसे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये रोलर कोस्टर राइड्स होती हैं आम तौर पे प्री ओपन, जिसकी वजह से मैं अवॉइड करता हूं कि यहाँ पर मार्केट को समझने की कोशिश करना मुश्किल होता है। कल चूंकि बड़ी एक्साइटमेंट थी मार्केट में, इसलिए प्री ओपन में ही यानी कि 14 मिनट्स के अंदर 1,50,00,000 का वॉल्यूम बन गया। 100 इंडेक्स में 107 पॉइंट मार्केट नीचे, और आप देखें अगर आप इसको देख रहे हो तो किस तरीके से मार्केट नीचे खुली, उसके बाद फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। और अगर आप इस वक्त मार्केट देख रहे होंगे, इस वक्त टाइम हो रहा है 10:07, ठीक है जी, 10:07 पे मार्केट की क्या पोजीशन है वो भी आपके सामने। मार्केट 173 माइनस है। अच्छा, अब हमारा इस वक्त जो लो बन चुका है वो इस वक्त मार्केट लो पे ही खड़ी है 193, और मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है कि 44,190 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, 190 तक ये ऊपर नीचे हो तो कोई परेशानी मुझे नज़र नहीं आती, ये फिर रिकवरी की कोशिश कर सकता है। मगर अगर 190 के नीचे सस्टेन करे तो फिर मसला शुरू हो जाएगा। और कल की कॉल में मैं बार बार आपको पिछले 1200 पॉइंट याद दिला रहा था कि, और कंसिस्टेंसी पर बात कर रहा था कि कंसिस्टेंसी इस्टेब्लिश होनी बड़ी ज़रूरी है। और मैंने एक और बात अगर आप लोगों ने महसूस की हो तो मैंने कहा बेशक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी एक्साइटमेंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ आज के पॉइंट, मगर मैं इसको जस्टिफाइड नहीं समझता, इसकी एडजस्टमेंट मैं देखता हूँ। यानी कि 1200 पॉइंट जो बढ़ गए वो 1200 पॉइंट कुछ ज़्यादा हो गया, ये बात कल की कॉल में मैं बार बार कह रहा था, इट वॉज मोर देन माई एक्सपेक्टेशन एंड ऑल दैट। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई नई बात नहीं हो रही, वही कुछ हो रहा है जो कल मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, ये ज़रूर था कि जितने लॉक कल लगे हुए थे उससे ये लग रहा था कि मार्केट ऊपर खुलेगी, ऊपर खुलने के बाद एडजस्टमेंट ज़रूर करनी थी, मगर ये जो मार्केट खुलने के साथ ही नीचे आई है, ऊपर नहीं गई, ये थोड़ी सी सरप्राइजिंग ज़रूर है, मगर नीचे आना सरप्राइजिंग नहीं है। आगाज़ के साथ नीचे आना मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि आज की मार्केट से मैंने वाज़े एग्ज़िट कॉल भी दी है कि ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करें, बड़ा दबाव डाला है। आप लोगों को जो स्क्रिप्ट कॉल भेजी है उसमें मज़ीद दबाव डाला है कि भाई ज़रूर आप वो करें। खैर बहरहाल, अभी मिड डे कॉल हम इंशाल्लाह 12 बजे के अराउंड या 11:30 बजे भी देखेंगे, जैसे जैसे जो डेवलपमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से अपडेट करूँगा आपको मैं। मगर मैंने सोचा सिर्फ प्री ओपन वॉलेटैलिटी आपको दिखाऊँ, और क्यों प्री ओपन वॉलेटैलिटी को मैं अवॉइड करता हूँ कि उसको समझना जो है, मतलब उससे नतीजा अखज़ करना दुरुस्त नहीं है। अब 10 बज चुके हैं, अब जो मार्केट जहाँ सस्टेन करेगी, चाहे वो 44,190 के नीचे करे या किसी और ऊपर के लेवल पे करे, वो हमारे लिए अब अहमियत का हामिल होगा। 10 से पहले जो कुछ हुआ दैट इज़ ओनली प्री ओपन वॉलेटैलिटी। आई होप आई मेड इट क्लियर।